जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस गीत को लेकर देश भर में मशहूर हो चुके गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में जाने की अपनी इच्छा त्याग दी। उन्होंने इस विचार के लिए माफी मांगते हुए ये बात कही है। मित्तल ने भाजपा को धन्यवाद कहते हुए ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि पार्टी नेतृत्व उन्हें इतना प्यार करता है। कन्हैया मित्तल ने एक वीडियो जारी करते हुए अपने फैसले की जानकारी दी और कहा कि कांग्रेस में जाने की जो बात उन्होंने कही थी वो गलत थी। उन्होंने इसके लिए एक अधिक बार माफी मांगी। मित्तल ने कहा, पिछले दो दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे साथ सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे कितना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। दो दिनों से देख रहा हूँ कि आप सभी परेशान हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ और जो मेरे मन की बात थी वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं उसे वापस लेता हूँ। आइए दिखाते हैं आपको कि कैसे कन्हैया मित्तल ने माफी मांगी। जय श्री राम। पिछले दो दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। दो दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूँ उसे वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। कन्हैया ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूट जाएंगे। हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं और राम के ही रहेंगे। पुनः आप सब से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब डिस्टर्ब हुए, आपने परेशान हुए, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत थी, इसे मैं वापस लेता हूँ। आप ऐसे ही जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार फिर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूँ। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में जाने की बात कही थी। वो हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। माना जा रहा है कि उन्हें भाजपा से विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं होने पर उन्होंने कांग्रेस से दांव आजमाने की कोशिश की। यह अभी साफ नहीं है कि कांग्रेस से उनकी कुछ बातचीत हो पाई या फिर नहीं, इसी स्तर पर कोई जानकारी नहीं। कन्हैया मित्तल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े प्रशंसक रहे। चुनाव के दौरान उनका एक गीत इस तरह से भाजपा के प्रचार का थीम बन गया। ऐसे में कन्हैया के कांग्रेस जुड़ने की बात सामने आने पर कई तरह की चर्चाएं होने लगी। इसे भाजपा के लिए झटके के तौर पर देखा जाने लगा। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।